आज हम आपके लिए बहुत ही ज्यादा टेस्टी और हेल्दी रेसिपी लेके आए हैं। तो सारी ही लेडीज परेशान रहती है इस चीज से कि बच्चों को या फिर हस्बैंड को टिफिन में क्या दे या फिर लंच डिनर में क्या बनाए। तो आज आपकी सारी प्रॉब्लम इस वीडियो में सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि जो आज हम पराठे की रेसिपी लेकर आए ना, बहुत ही टेस्टी लगते हैं, जिसको आप सुबह के नाश्ते में बना सकते हैं, लंच टिफिन के लिए बना सकते हैं या फिर डिनर के लिए बना सकते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं वेजिटेबल लच्छा पराठा। और इस तरीके से अगर आप पराठे बना के देंगे ना बच्चों को, तो बच्चे वेजिटेबल खा भी लेंगे और उनको पता भी नहीं चलेगा कितनी सारी वेजिटेबल उन्होंने खा ली। तो पूरा वीडियो इसके लिए पूरा जरूर देखें और इसे जरूर घर पर ट्राई करें। वीडियो जरा सी पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लेटेस्ट वीडियो के लिए घंटी भी करना ना भूलें। तो सबसे पहले हमने वेजिटेबल्स में लिए हैं, ये हमने पत्ता गोभी ली है हाफ, थोड़े से पालक के पत्ते ले लिए इस तरीके से तोड़ के, और इसे साफ पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है। हाफ गाजर को छील के इस तरीके से कट कर लिया है, और ये हाफ शिमला मिर्च कट करके ली है। सारी सब्जियों को हमने अच्छे से धो लिया है। ये दो हरी मिर्च ली है जिसे हाफ कट कर लिया है। तो ये सारे वेजिटेबल्स को हम इसमें डाल देंगे। वेजिटेबल में फ्रेंड अपने पसंद से आप कोई भी वेजिटेबल ले सकते हो, और जो नहीं पसंद है उसको स्किप भी कर सकते हो। तो इसका हम ढक्कन लगा देंगे और इसे हमें चॉप कर लेना है। तो ये सारे वेजिटेबल को हमने चॉप कर लिया है। यहाँ पे हम चॉपर की हेल्प से इसे चॉप किया है हमने। आप चाहे तो हाथों से, नाइफ से भी इसे बारीक बारीक कट कर सकते हैं। अभी हमने एक छोटी कटोरी हरे प्याज के जो पत्ते होते हैं ना, वो लिए हैं, वो इसमें हम डाल देंगे। तो इसको हमने कट करके ही लिया है, चॉपर में चॉप नहीं किया है। अगर आप सूखी प्याज लेते हैं तो आप सभी चीज़ों के साथ चॉपर में चॉप कर सकते हैं। और जैसे कि हमने बोला कि अगर चॉपर नहीं है आपके पास तो नाइफ से भी आप कट कर सकते हैं। और जो गोभी और गाजर है ना, उसको आप कद्दूकस कर सकते हो। इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। तो इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसे हम 5 मिनट एक साइड रख देंगे, तब तक आगे तैयार कर लेंगे। तो 5 मिनट हो चुके हैं। तो ये सब्जी होती है ना, उसका खुद का मॉइस्चर होता है, पानी होता है, तो इसीलिए हमने इसमें नमक लगा के रखा था, जिससे कि जो भी इसका पानी है वो निकल जाए। तो अब इसको हम लेंगे और ये देखिए इस तरीके से हाथों से अच्छे से स्क्वीज कर लेंगे, यानी कि अच्छे से निचोड़ लेंगे। तो इसी तरीके से सारे वेजिटेबल को हमें अच्छे से निचोड़ लेना है। तो ये जो सब्जी का सारा पानी है ना, हमें इसको वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि इसमें सारे जो वेजिटेबल के न्यूट्रिएंट्स है वो आ गए हैं। तो इसको क्या करेंगे, हम छान लेंगे। अब एक बोल में 1 कप गेहूं का आटा लेंगे। आटे को हमने छान लिया है, इसमें हम बिल्कुल थोड़ा सा नमक डालेंगे। अब ये जो वेजिटेबल का हमारा पानी था ना, उसको हम यूज करेंगे आटे को गूंदने में। तो ये पानी में ऑलरेडी नमक है, इसलिए हमने आटे में बहुत ही कम मात्रा में नमक डाला है। आप चाहे तो ये पानी को टेस्ट करके भी देख सकते हैं, अगर आपको लगे कि नमक डालने की जरूरत है तो ही डालें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं आटे में नमक को। तो वो पानी तो हमने सारा ऐड कर दिया, बाकी जो सादा पानी है वो भी हम इसमें यूज करेंगे, क्योंकि अभी हमें और पानी की जरूरत है, तो जरूरत के हिसाब से ही पानी डालना है। तो ये आटे को हम गूंदी लगाते हुए ही तैयार करेंगे। और ये आटा जो है ना, हमें जैसे हम मीडियम रखते हैं, जैसे हम रोटी बनाते हैं ना, रोटी का जो आटा होता है, बिल्कुल वैसा ही आटा हमें चाहिए इसके लिए। तो अब ये आटे में हल्का ऑयल लगा लेंगे और इसको हम ढककर एक साइड रख देंगे। अब ये जो हमारी वेजिटेबल है, इसमें हम एक आलू ऐड करेंगे। तो ये हमने एक आलू को उबाल कर ठंडा कर लिया है, उसके बाद इसको छील लिया है और इसे अच्छे से हमने मैश भी कर लिया है। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, तीखा आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं। 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर ऐड करेंगे, भुने हुए जीरे का पाउडर है। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, नमक ध्यान से ही डालना है, वेजिटेबल में ऑलरेडी नमक है थोड़ा। 1/2 चम्मच कट किया हुआ फ्रेश धनिया ऐड कर देंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, वैसे तो आजकल के बच्चे जो होते हैं ना, वो वेजिटेबल खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से उनको बना के देंगे ना, तो वो वेजिटेबल खा भी लेंगे और बहुत ही शौक से खाएंगे, बल्कि आपसे जिद करके बनवाएंगे। तो इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो जब तक हमने स्टफिंग तैयार की, आटा भी हमारा सेट हो गया है। अब इसको हम हाथों से थोड़ा सही कर लेंगे। अब इसकी हम लोई तोड़ लेंगे।
बहुत ज़्यादा बड़ी लोई नहीं लेनी है, जैसे हम रोटी बनाने के लिए लोई लेते हैं ना वैसे ही हमें उतनी ही लोई लेनी है। तो अब ये हमने एक लोई ली है, इसमें हमने सूखा आटा लगा लिया है, तो इसको हम बेल लेंगे रोटी की तरह। तो इसको हमने बेल लिया है, देखिए इस तरीके से हमने बेला है, एकदम पतला ही हमें इसे बेलना है। तो ऐसे ही दूसरी रोटी को भी हम बेल लेंगे। तो ये दूसरी रोटी को भी हमने बेल लिया है। अब इसमें हम तेल लगा लेंगे, हल्का सा सूखा आटा हम इसमें स्प्रिंकल कर देंगे। तो अब जो स्टफिंग है हमारी वो हम इसमें डालेंगे, इस तरीके से इसको फैला देंगे। तो इस स्टफिंग को हमने किनारों को छोड़ते हुए फैला दिया है। अभी हमने दूसरी रोटी ली है, इसमें भी हम तेल लगा लेंगे, इसको इसके ऊपर रख देंगे, इस तरीके से हमें दबा देना है इसको किनारों से। हल्का सा आटा इसके ऊपर डालेंगे और बेलन से हल्के हल्के हाथों से हमें इसे बेलना है। तो इसको बेल इसलिए रहे हैं जैसे कि जो मसाला है ना वो अच्छे से अंदर चिपक जाए। अब इसको हमें कट करना है, यहाँ पे हम पिज्जा कटर की हेल्प से कट कर रहे हैं, आप नाइफ का भी यूज कर सकते हैं। अब इस तरीके से एक साइड से हम एक लेयर को लेंगे और इसे फोल्ड करेंगे, सेम इसको हम दूसरे लेयर पे रखेंगे और इसको भी इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। तो इसको हमें सेम इसी तरीके से रिपीट करते जाना है और सभी लेयर्स को फोल्ड कर लेना है। तो आपको जितने बड़े साइज का बनाना हो ना उतना ही रोल आप बना सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि एक बार में जितनी आपने लेयर्स कट किए हैं सारा ही आप उसमें ले लो, आप दूसरे फिर रोटी बना के सेम उसी तरीके से उसमें लेयर कर करके उसको इसके साथ जॉइंट कर सकते हो। तो देखिए इसी तरीके से हमने सारे रोल्स रेडी कर लिए हैं। अब एक रोल को हम लेंगे, सूखा आटा उसमें लगा लेंगे और इसको हमें बेलना है, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इसे बेलना है। तो सूखा आटा जरूरत के हिसाब से इसमें डालते जाएंगे बेलने के लिए। तो इसको हमने बेल लिया है, अपने हिसाब से आप छोटे बड़े साइज में बेल सकते हैं इसको। ऐसे ही दूसरा भी हम बेल लेंगे। अब हमने गैस पर तवा लिया है, इसमें हम इस पराठे को डालेंगे, एक साइड से थोड़ा सिकने पर इसको पलटेंगे, घी लगा लेंगे इसमें। तो पराठे को सेकने के लिए बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो घी लगाए, बटर लगाए या ऑयल का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें तो घी में जो पराठे हैं तले हुए बहुत ही अच्छे लगते हैं, बट बिल्कुल चॉइस है आपकी। पलटेंगे और दूसरी साइड भी इसी तरीके से घी को लगा लेंगे। तो इसको हम लो टू मीडियम पे पलटते हुए सेकेंगे और देख सकते हैं इसमें हमने वेजिटेबल और आलू की स्टफिंग डाली है और लेकिन बिल्कुल भी इसमें से मसाला निकल नहीं रहा है हमारा, बहुत ही अच्छे से फ्राई हो रहा है। तो इसको हमने दोनों साइड से अच्छे से सेक लिया है, देख सकते पराठा देखने में कितना बढ़िया लग रहा है, देखकर ही मुंह में पानी आ रहा होगा। देखने में जितना यमी लग रहा है ना खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है और लच्छे इसके देख सकते कितने अच्छे से बहुत ही दिख रहे हैं। तो ऐसे ही दूसरे जो हमारे पराठे ना उसको भी हम सेक लेंगे। तो लीजिए हमारे वेजिटेबल लच्छा पराठा बनकर रेडी हो गए हैं, देखिए कितने बढ़िया से बने हैं, बहुत ही ज़्यादा यमी लग रहे हैं देखने में ही, देख सकते एकदम लच्छे आपको दिख रहे होंगे, है ना एकदम। और स्टफिंग भी बिल्कुल भी अच्छे से सब जगह फैली है, कहीं पे भी बिखरी नहीं है और है एकदम सॉफ्ट, ये देखिए। तो ये पराठे को आप चाहे चाय के साथ खाए, चाहे अचार के साथ खाए, सॉस के साथ खाए या फिर दही के साथ खाए, लेकिन बनाए जरूर। तो उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी जरा से ही पसंद आए तो प्लीज प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लेटेस्ट वीडियो के लिए घंटे पे क्लिक करना ना भूले। अब आपको मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, अब तक की वीडियो देखने के लिए थैंक यू।